दोस्तों क्या आपके स्नैपचैट ऐप से किसी पे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है? मैसेज सेंड करते टाइम प्रॉब्लम दिखाता है और पेंडिंग में चला जाता है, मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो है बैक आ जाना है, जहाँ पर भी आप चैटिंग करते हैं वहाँ से। और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक बार इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लेना है। ये सबसे छोटा प्रॉब्लम, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है डाटा कौन सा सिम यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसमें आपने रिचार्ज करवाया वही सिम कनेक्ट है या नहीं है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है, कभी कभी आपके फ़ोन में इंटरनेट ग्लिच हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका डाटा ऑन होता है लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है। तो वो ग्लिच ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि इंटरनेट ग्लिच जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों इतना करने से अगर आप में जो है मैसेज सेंड हो जाता है तो ठीक है, वरना आपको आगे क्या करना है वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। आपको स्नैपचैट ऐप पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा आई बटन का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको पहले फोर्स स्टॉप कर लेना है, फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर से इस पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है क्लियर कैच कर देना है, क्लियर डाटा नहीं करना है, आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, इसीलिए क्लियर कैच करके यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे दिखेगा डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है कोई सेटिंग इनेबल डिसेबल कर जाने देने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। आपको यहाँ पे ये सेटिंग को ध्यान से देखना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई, ये दोनों इसी तरीके से डिसेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों कि कभी कभी ये इनेबल हो जाता है तो आपका मोबाइल डाटा डिसेबल हो जाएगा आपके स्नैपचैट ऐप से, तो इसे आपको डिसेबल करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखेगा बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन, ये जो है इनेबल होना चाहिए इसी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको जो है परमिशन में जाना है। अगर आप यहाँ पे फ़ोटो सेंड करते हैं और फ़ोटो सेंड नहीं हो रहा है तो आपको एक बार जो है स्टोरेज को अलाउ कर देना है, स्टोरेज को इस तरीके से अलाउ करना है। यहाँ पे अगर नॉट अलाउड के ऑप्शन में होगा तो इस पर क्लिक करके एंड अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अलाउ कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों मेरा जो है स्टोरेज अलाउड के ऑप्शन में है तो मैंने यहाँ पर अलाउ किया हुआ है, लेकिन मैसेज में दोस्तों फोटो वगैरह नहीं सेंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद दोस्तों एक बार आपको प्ले स्टोर ऐप में जाना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है स्नैपचैट ऐप को, एंड यहाँ पे स्नैपचैट ऐप को सर्च कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लेंगे, कभी कभी अपडेट ना करने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आप स्नैपचैट ऐप को अपडेट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है मैसेज किसी पे सेंड करते हैं तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।